पश्चिम बंगाल में विदेश राज्य मंत्री के काफिले पर हमला हुआ है, वी मुरलीधरन की कार पर। यह हमला मेदिनीपुर जिले में हुआ है, वी मुरलीधरन के साथ साथ बंगाल बीजेपी के नेता राहुल सिन्हा की कार में भी तोड़फोड़ की गई है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर इस हमले का आरोप लगा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ट्वीट कर विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने ये जानकारी दी थी। चुनाव के नतीजों के बाद से ही ये हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल शपथ ग्रहण के दौरान ममता बनर्जी ने कहा था कि अभी तक जो शासन था वो चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के हवाले था, लेकिन अब आज ये हिंसा हुई है तो कहीं ना कहीं जवाबदेही ममता बनर्जी की भी बनती है। विदेश राज्य मंत्री के ऊपर इस तरीके का हमला कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर यह आरोप है कि हमला उनके द्वारा किया गया। हालांकि जो टीएमसी के लोग हैं, टीएमसी के नेता हैं, उनका यही कहना है कि बीजेपी के जो आपसी लड़ाई है कार्यकर्ताओं के बीच की, यह हिंसा उसका नतीजा है। लेकिन फिलहाल आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। अभी तक जो जानकारी हमें मिल रही है, ये लोकल गांव वाले हैं और ये देखिए कैसे लकड़ी के लट्ठे उठाए हुए। मिनोगिया हमारे साथ जुड़ रही है ज्यादा जानकारी लिए हुए। मिनोगिया, जिस तरीके की ये तस्वीरें हैं बेहद चिंताजनक हैं, और लट्ठे लिए हुए ये गांव वाले हैं या टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था अगर राज्य विदेश मंत्री की इस तरीके से तोड़ी जाए तो ये तो बहुत गंभीर स्थिति है बंगाल में। देखिए, गंभीर स्थिति पिछले 3 दिनों से है, लेकिन इस समय अगर विदेश राज्य मंत्री पूरे कॉन्वॉय और सुरक्षा बलों के साथ आए और उसके बाद उनको लाठियों और पत्थरों का हमला का सामना करना पड़े, जिसमें उनकी गाड़ी के कांच टूट जाएं, गाड़ी पर हमला हो और फिर अपना दौरा रद्द करके वापस आना पड़े, तो ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। पिछले 24 घंटे में हिंसा की घटनाएं जरूर थोड़ी कम हुई हैं, लेकिन ये एक इतनी बड़ी हिंसा की वजह, एक काफिले पर विदेश राज्य मंत्री के हमला होना, उनकी गाड़ी पर इस तरह से अटैक होना, गांव वालों द्वारा, गांव में गए थे अपने कार्यकर्ताओं की जो मौत हो रही है लगातार, कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो मिदनापुर में अफेक्टेड हैं या कुछ बिहार में या बंगाल के विभिन्न इलाकों में, वहां पर पार्टी ने, बीजेपी ने कई कई जगह पर टीम्स भेजी हैं, उन्हीं में से एक टीम दौरा कर रही पश्चिम मिदनापुर का। लेकिन ये हमला कई सवाल भी खड़े करता है। कल इसके पर राजनीति भी देखी गई थी। ठीक, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जैसे ही शपथ ली थी उसके बाद कहा था कि अब किसी भी तरह के हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और तुरंत उसकी कार्रवाई भी होगी। ठीक है मिनोगिया, गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट भी मांगी है राज्यपाल से इस हिंसा को लेकर, उस पर क्या अपडेट है आपके पास? राज्यपाल ने भी ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि उनको गृह सचिव ने और मुख्य सचिव ने ये कह दिया है कि मुख्यमंत्री द्वारा आदेश के अनुसार उन्हें कोई भी जानकारी मुहैया नहीं कराई जाएगी। अब राज्य सरकार की ओर से थन गई है राज्यपाल के बीच, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब ये कहकर कि कोई डेटा नहीं अवेलेबल किया जाएगा, ये अपने आप में बड़ी बात है। मिनोगिया, जिस तरीके के चुनाव नतीजे आए, टीएमसी को एक जिसे कहा जाए कि बड़ी जीत मिली, ऐसे में क्या ये जो गांव के लोग, क्योंकि अभी तो ये बात पुष्ट हो नहीं रही है कि ये टीएमसी के कार्यकर्ता थे या ये कौन लोग थे, लेकिन गांव वाले अभी ये दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या नाराजगी है जिस तरीके का चुनाव प्रचार किया गया या जिस तरीके की हिंसा चुनाव के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान भड़की, कि अब जो लोग हैं गाँव के लोकल वो नहीं चाहते कि उनके गाँव में कोई भी आए, या ये किस तरीके की आप हरकत देख रहे हैं? देखिए, बंगाल में हिंसा की राजनीति नई बात नहीं है, लेकिन अगर हिंसा जीत के बाद हो तो उसमें सत्ता और जो विपक्ष है ये दोनों के ऊपर सवाल उठते हैं। विपक्ष के नेता आ रहे हैं बंगाल में जाकर अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, उनको ढांढस बनाने के लिए, लेकिन गांव वाले अगर विरोध कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो उनके कार्यकर्ता नहीं होंगे जो मार खाए हुए हैं। ऐसे में बीजेपी का आरोप है कि ये टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। तृणमूल कांग्रेस की ओर से अभी तक कुछ नहीं कहा गया है, वो कह रहे हैं कि जनता का आक्रोश है, अगर जनता ही आक्रोश करके बीजेपी के खिलाफ इस तरह से झंडा उठा ले तो क्या करिएगा। लेकिन सवाल यही रह जाता है, क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य सरकार का ही सब्जेक्ट है और ममता बनर्जी ने ये साफ कहा था कि अब राज्य सरकार के हाथ में सत्ता आई है, उनके शपथ ग्रहण के बाद उनके हाथ में अब सारी बागडोर है, तो इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है मनोज, जिस तरीके की तस्वीरें मिल रही हैं, कहीं ना कहीं अगर ये टीएमसी के कार्यकर्ता हैं तो जिसे कहा जाए कि पूरी मेहनत पे पानी फेरना है, आप जीत को हार में बदल रहे हैं।
देखिए ये पार्टी का फैसला है कि पार्टी क्या कर रही है, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जवाबदेही ये जरूर रहती है कि अगर कोई भी हिंसा की घटना हो और वो भी विदेश राज्य मंत्री के स्तर का कोई नेता आए, नेता से ज्यादा कोई मंत्री आए, केंद्रीय मंत्री आए जी, और उस पर इस तरह का हमला हो, तो क्या वो इंटेलिजेंस फेलियर है या गांव वालों को इकट्ठा होने की खबर पायलट या स्थानीय पुलिस को नहीं? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जवाबदेही जरूर बनती है कि किस तरीके की कानून व्यवस्था राज्य में चल रही है, एक विदेश राज्य मंत्री के काफिले के ऊपर हमला होना। ABP News आपको रखे आगे।